दोस्तों, दिखने में जंगली प्रतीत होने वाला सहजन का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी हरी सब्जी है जिसका सेवन पूरे भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है। सहजन औषधि गुणों से युक्त एवं विशेष प्रकार की सब्जी है जिसका इस्तेमाल रोगों के उपचार के लिए भी किया जाता है। सहजन की उपयोगिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सहजन न सिर्फ अपने फलों की बल्कि सहजन की पत्तियां और फूल को भी खाने के प्रयोग में लाया जाता है, जिनके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सहजन के उपयोग से कई गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। सहजन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और पोटेशियम आदि पोषक तत्व मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सहजन के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सहजन में पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सहजन के फायदे। पहला, साइटिका गठिया में फायदेमंद। सहजन की छाल का पाउडर शहद में मिलाकर खाने से वात और कफ दोष दूर होता है। सहजन की पत्ती का काढ़ा बनाकर पीने से साइटिका और गठिया में शीघ्र लाभ पहुंचता है। इसके अलावा मोच लगने पर सहजन की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहले पत्ती की लुगदी बना लें और उसमें सरसों का तेल डालकर धीमी आंच में पकाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं। सहजन की जड़ अस्थमा, पथरी, जलोदर और प्लीहा रोग के लिए लाभकारी है। दूसरा, डायबिटीज पेशेंट के लिए रामबाण। सहजन में राइबोफ्लेविन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके चलते यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। सहजन की सब्जी खाने से शुगर कंट्रोल रहता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। आप अपने चिकित्सा के सलाह पर सहजन की पत्तियों की गोली भी ले सकते हैं। तीसरा, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अगर आप अक्सर बीमार पड़ जाते हैं तो सहजन आपके लिए अमृत है। सहजन का सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। इससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, मगर ध्यान रहे, सहजन को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए, यह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। चौथा, कब्ज का उपचार है सहजन। सहजन में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। सहजन की सब्जी खाने से आंतें स्वस्थ रहती हैं, इससे पेट की समस्या नहीं होती है। कब्ज और गैस के अलावा यह बवासीर में भी आराम पहुंचाता है। पांचवा, हड्डियों को मजबूत करता है सहजन। सहजन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, इसीलिए यह हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। यह वयस्कों और गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। सहजन एनीमिया की समस्या को भी दूर करता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सहजन के पौष्टिक तत्वों के बारे में। सहजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, विटामिन ए, बी, सी, डी आदि कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जब आप सहजन का सेवन करते हैं तो ये सभी पोषक तत्व आपको एक साथ मिलते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सहजन के नुकसान के बारे में। पहला, गर्भवती महिलाओं को सहजन का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, उनके लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरा, अगर आप लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको सहजन की पत्तियों या फूल का सेवन करने से बचना चाहिए। तीसरा, यह डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद है, मगर अत्यधिक सेवन शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। चौथा, ऐसे में यदि आप किसी रोग को ध्यान में रखते हुए सहजन का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो ये थे दोस्तों सहजन के फायदे। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।